अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप आप सब ठीक होंगे। ये मेरी वॉइस ओवर में पहली वीडियो है और मैंने कोई प्लान करके वीडियो नहीं बनाई थी। बस जो मैंने ईद में कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लिए हुए थे अपने बच्चों के, बस उसको ऐड करके मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बना लेते हैं। और ये बस ईद की तैयारी शुरू हो चुकी है सुबह सुबह घर में। ये मेरा हमदान है, सेकेंड बॉय। ये अपने नानू के साथ बैठ के मुझे पोजेस दे रहा था। और ये है मेरा सबसे बड़ा बेटा जैद। ये नमाज़ के लिए रेडी था तो मुझे शौक है कि चलो इसकी फ़ोटो निकाल लेते हैं। तो ये नमाज के बाद कुछ फ़ोटोशूट हो गई। और ये सबसे छोटू सा है आदिल आगे, जिसको मैंने पकड़ा हुआ है। इन तीनों के मैंने कुर्ते मैच बनवाए थे इस बार ईद में दुबई में टेलर से, कपड़ा वगैरह ले के सारा। मुझे शौक था कि तीनों के सेम बने। और ये भाई साहब की फ़ोटो शूट वगैरह सारा हुआ और फिर तीनों सो गए। मैंने अपने कुकिंग शुकिंग कर ली और शाम में फिर इनको ईद गिफ्ट्स भी मैंने शाम में दिए। हाँ देखो, अब ईद गिफ्ट्स भी मैंने इनको शाम में दिए। ये भी मैंने बस जल्दी से अरेंज कर लिया था, बिकॉज़ तीन बॉयज़ के साथ में अब थोड़ा मुश्किल हो जाता है कहीं जाना, शॉपिंग करना, ये वो। अब शाम में नींद से उठ के इन लोगों को बाहर जाना था, बिकॉज़ यूएई में ईद विदाउट फैमिली मेम्बर्स कोई ज़्यादा रिश्तेदार होते नहीं हैं, तो ये लोग बोर हो जाते हैं। तो फिर हमने बोला चलो चलते कहीं। तो जैद का बड़ा मन था दुबई फेस्टिवल सिटी जाने। हमने बोला चलो भाई आपकी ईद है, हम चलते हैं दुबई फेस्टिवल सिटी। ये कार में हमदान इन्जॉय कर रहे हैं हमारा मखदूम ब्रिज, और जैद की लंच हो रही है वहाँ पर, बिकॉज लंच के बाद वो एकदम से सो रहा था गहरी नींद में, तो हमने उसको उठाया नहीं। और ये आदिल है जो मुझे लुक्स दे रहा है। और यहाँ शुरू हो जाती है जैद की एंजॉयमेंट। बस मैंने मॉल में कुछ ज़्यादा वीडियोस नहीं निकाले थे, कुछ एक या दो ही वीडियोस लिए थे मैंने, क्योंकि आदिल मुझे बहुत क्रैंकी हुआ था, परेशान कर रहा था, तो मुझे इतना वक्त नहीं मिला कि वीडियो निकाल पाऊँ या फ़ोटो ले पाऊँ बच्चों की। बस मज़े तो जैद के ही होते हैं, ईद में और कुछ नहीं। बस तो यही था हमारा ईद डे वन। यहाँ से इन लोगों को कुछ मैगडी वगैरह खिला दिया हमने और हम घर पे आ गए। डिनर शिनर हमने घर पे कर लिए, मैंने और मेरे हस्बैंड ने। फिर इतने टायर्ड हो चुके थे कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, बस घर पे आके बच्चों को भी सुला दिया, हम भी सो गए। अब मैं इंशाल्लाह अपलोड करूँगी अपनी सेकेंड डे की कुछ वीडियोस। तब तक के लिए बाय।